Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास फोर्थ का मैथमेटिक्स। आज हम सब डिस्कस करेंगे चैप्टर सिक्स। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर सिक्स, इस्टीमेशन ऑफ सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। इस्टीमेट करना है, इस्टीमेट करना है, और उसके बाद सम फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। ओके, हमारे यहाँ पर 6.1 यानी कि पहला एक्सरसाइज है। इसमें टोटल वन ही एक्सरसाइज है और इसे सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें सम डिफरेंस और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ये चारों प्रॉपर्टीज मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। ओके, इसमें एक चीज और पढ़ना है, राउंडिंग पढ़ना है। राउंडिंग नंबर टू नियरेस्ट थाउजेंड, राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट थाउजेंड। तो सबसे पहले हम आपको इसमें ये सिखाएंगे कि राउंडिंग कैसे निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, राउंड ऑफ कहिए या राउंडिंग नंबर। ध्यान से देखिएगा, राउंडिंग नंबर्स, ठीक है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, आपको इतने ध्यान से देखना है कि राउंडिंग क्या होता है। यदि हमारे पास ये नंबर आ जाए, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 1, 3, 4, 6, 9, 2, 7, एक ही एग्जांपल लेंगे, उसी के माध्यम से हम सभी को राउंडिंग करना बताएंगे। देखिए एक कितने डिजिट का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितने डिजिट का है, 7 डिजिट का। लेकिन मैं आपको कई बार बताया हूँ कि क्लास फोर्थ में हमें केवल 4 डिजिट ही पढ़ना है, तो याद रखिएगा जहां तक मिलेगा आपको 4 डिजिट तक ही मिलेगा। तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिएगा, 4 डिजिट तक ही हम बताएंगे, लेकिन और भी हम बता देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके गुड, देखिए यहाँ पर ये वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, यदि बोल दिया कि नियरेस्ट 10, क्या बोल दिया, नियरेस्ट 10 तक राउंडिंग कीजिए, नियरेस्ट 10 तक राउंडिंग करना। ओके, तो यहां पर हम पहले वंस डिजिट को देखेंगे, ठीक है, वंस डिजिट को देखेंगे और टेंस, यानी टेंस नियरेस्ट 10 कहा है ना, तो टेंस डिजिट को ही देखेंगे। सिंपली सी बात, सिंपल सी बात है कि ये जो 2 है ना, इसको देखेंगे हम, ठीक है, इसको देखेंगे। लेकिन एक चीज और इसमें जानना है, हम 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यहां से 5 to 9 पहला ग्रुप हो गया और 0 to 4 दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक है, एक ग्रुप हो गया फर्स्ट, एक ग्रुप हो गया सेकेंड। याद रखिएगा, जब जिसका पूछा है उसका हमें राउंडिंग निकालना है, तो उसके दाहिने वाला हम नंबर देखते हैं, जो पूछा है नियरेस्ट 10 का पूछा ना, तो 10 की वैल्यू 2 है, इस 2 को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, और देखेंगे उसके राइट साइड कौन सा डिजिट है, कितने डिजिट है राइट साइड, कितने डिजिट है, 1 डिजिट ना, तो यहां पर हम 0 लिखेंगे। ओके, अब ये देखेंगे कि एक कितना वैल्यू है, कहां से कहां तक किस ग्रुप में बिलोंग करता है, यानी कि 5 to 9 के बीच में 7 है ना, तो इसके प्लेस पर भी 0 लिखेंगे, इसके प्लेस पर भी 0 लिखा जाएगा, क्लियर है। लेकिन जब 5 to 9 होगा ना, तो इसके बिफोर यानी कि पहले जो होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो गया 3। ओके, अब यहां से जितना है इसको राइट कर लेंगे, क्लियर है। ओके, ये हो गया नियरेस्ट 10, 10 का पूछा है तो 10 का हम देखेंगे, 10 के राइट साइड देखेंगे,
कि वो कौन सा डिजिट है, 0 to 5, 0 to 4 है या 5 to 9 है। 0 to 4 होगा तब भी 0 ऐड करेंगे, 5 to 9 होगा तब भी 0 ऐड करेंगे, लेकिन एक शर्त है, 5 to 9 होने पर इसके आगे वाले डिजिट में, पहले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया नियरेस्ट 10। इसमें +1 ऐड कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं ऐड करते। अब देखिए नियरेस्ट, यदि नियरेस्ट 100 पूछ ले तो, नियरेस्ट 100 पूछ ले तो 100 वाले प्लेस को देखेंगे, इसको ढक लेंगे, कितने डिजिट बच रहे हैं, 2, तो 2 डिजिट बच रहे हैं तो 2 times 0 हो गया। अब इस 100 वाले प्लेस के राइट साइड देखेंगे कौन सा डिजिट है, 2 है ना, ओके, तो 2 किस ग्रुप में आता है, 0 2 पहले ग्रुप में आता ना, तो पहले ग्रुप के लिए यहाँ पर कुछ नहीं ऐड करेंगे, जैसे है वैसे राइट कर देंगे। देख लीजिएगा यहाँ पर 7 था दूसरे ग्रुप के लिए, तो इसमें 1 ऐड कर दिया, लेकिन पहले ग्रुप के लिए इसमें 2 है, तो 0 हमने तब भी लिखेंगे, 0 हम तब भी लिखेंगे, लेकिन करना क्या, तब करना क्या रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं ऐड करेंगे। अब बाकी इसके पहले वाले जितने डिजिट है इसको हम ऐसे राइट कर लेंगे। ओके, ये नियरेस्ट 10 हो गया। अब नियरेस्ट 100 हो गया, नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे, यही आप लोगों को पढ़ना रहेगा इतना। यदि 1000 पूछा है तो 1000 प्लेस को देखेंगे कौन सा है, 6 है, ओके, 6 को ढक लेंगे, और उसके बाद कितने डिजिट है, 3, तो 3 times 0। अभी देखेंगे 1000 के राइट साइड जस्ट बात कौन डिजिट है, 9 है, किस ग्रुप में बिलोंग करता है, दूसरे में, यानी कि 5 to 9 दूसरे में बिलोंग करता है, तो इसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो गया 7, और इसके पहले जैसे भी दिया था ऐसे राइट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब देखेंगे इसके बाद यदि पूछता है, आपको यहां तक ही पढ़ना था, ठीक है, जो पूछा है उसके बाद वाला डिजिट देखेंगे, यदि 0 to 4 है तो सभी को 0 कर देंगे, बाकी उसी को से राइट कर देंगे, लेकिन दूसरे ग्रुप में आ गया कोई उसके बाद वाला, तो उसमें उसके आगे वाले में 1 ऐड कर देंगे और बाकी 0 0 लिख देंगे। यही मैं 2 ही बताया हूँ, ठीक है। और नियरेस्ट 1000 की बात करें तो 1000 प्लेस को देखेंगे, 1000 प्लेस को देखेंगे 4 है, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे, अब बाकी 4 times 0 लगाएंगे इधर। अब यहाँ देखेंगे 6 किस ग्रुप में आता है, दूसरे ग्रुप में ना, तो इसमें इसके अगले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, 5, और बाकी जैसे है ऐसे। अब नेक्स्ट बात करें, नियरेस्ट 1 lakh की, नियरेस्ट लाख की बात करें तो यहाँ 3 है, 3 को ध्यान से देखिएगा, उसके राइट साइड कितने डिजिट है, 5 डिजिट, ओके। अब ये 3 है, 3 के राइट साइड 4 है, 4 पहले ग्रुप में आता है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ ऐड नहीं किया जाएगा, ये 3 हो गया, अब आगे 1। अब नियरेस्ट ये 1 lakh हो गया। अब 10 lakh की बात करें, नियरेस्ट 10 lakh की, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है ना 1 1 देखेंगे, और उसके बाद सभी देखेंगे कितने टाइम 0 है, 5 times 1 2 3 4 5 6 times 0, ठीक है। और 10 lakh है तो ये 1 है, 1 की राइट साइड 3 है, ये पहले ग्रुप में आता है, तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट 1 लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ओके, क्या देखना है, ये नियरेस्ट 10 की वैल्यू थी, ये नियरेस्ट 100 की, ये नियरेस्ट 1000 की, और आप लोगों को यही वैल्यू पढ़नी है। ओके, अब मैं आपको नियरेस्ट बता दिया हूँ, ओके, अब आपको सम डिफरेंस एंड मल्टीप्लाई सभी आपको सॉल्व करने हैं, तो आइए एक्सरसाइज को देखते हैं। ये तो हो गया, तो सबसे पहले देखते हैं क्या सॉल्व करना, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। मैंने बताया ना कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें 1000 तक ही पूछे जाएंगे। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, इसको राउंड ऑफ करना है 1000 प्लेस तक, 1 2 3 4 साइड में देखते हैं, 1 4 2 5, ध्यान से देखिएगा कैसे किया जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि
वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड इसी प्लेस को करना है ना, इसको ढक लेंगे। कितने टाइम जीरो है, थ्री, तो थ्री डिजिट है ना, थ्री टाइम जीरो लगाएंगे। आप ये देखेंगे कि जिस प्लेस को मैं ढका हूं वो कौन सा है, वन है ना, ओके। इसके बाद वाला कौन सा डिजिट है, फोर। आपको पता है जीरो टू फोर पहले ग्रुप में आता, पहले ग्रुप में आने पर जैसा है वैसा राइट करेंगे, इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। ए था पहले का सॉल्यूशन। इसी तरह से ध्यान से देखिएगा, थ्री फाइव फोर सेवन, थ्री फाइव सेवन नाइन थाउजेंड प्लेस को, यहाँ पर दूसरी ग्रुप का आ गया तो यहाँ पर डायरेक्ट फोर थाउजेंड, नाइन थाउजेंड, थ्री थाउजेंड, फोर थाउजेंड, सिक्स थाउजेंड, फाइव थाउजेंड, सिक्स थाउजेंड एंड टू थाउजेंड। मैंने बता दिया जैसे ऐसे बताया हूँ, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द एस्टिमेटेड सम एंड देन द एक्चुअल सम, वन हैज बीन डन। ये बहुत ही सिंपल है, कहने का मीन्स एक्चुअल सम जैसे दिया गया उसको ऐड करना है। एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेट का मतलब यहाँ पर मैंने बताया था अभी कि राउंड अप निकालना है किसका, नियरेस्ट थाउजेंड का। यदि दिया तो ठीक है, नहीं दिया है तो थाउजेंड का एस्टिमेट निकालना है। तो पहला दिया, दूसरा हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन बी पार्ट। यहाँ पर जितने भी सॉल्व करने हैं वो एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है और एक्चुअल सम फाइंड करना है। तो एस्टिमेटेड सम क्या हो जाएगा, जैसे दिया है इसका हम सबसे पहले निकालेंगे राउंड ऑफ। क्या निकालेंगे, राउंड ऑफ। ऐसे नंबर लिखेंगे, फोर फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी फोर, इसका राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा। मैंने बताया था जिसका पूछा ना, पूछा किसी का नहीं है, तो हमें यही थाउजेंड प्लेस का निकालना, मैक्सिमम प्लेस का। तो यहाँ पर फोर 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 है तो थ्री टाइम जीरो हो गया। अब देखेंगे ए भी फोर है, इसके राइट साइड फोर है तो पहले ग्रुप में आता है तो यहाँ पर फोर राइट करेंगे, एस्टिमेटेड हो गया। अब इसकी इसका एस्टिमेट करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री थाउजेंड। वीडियो को भगाइएगा मत, शुरू से देखिएगा, नहीं तो आपको एस्टिमेट करना बिल्कुल नहीं आएगा। इसको क्या करना, सम फाइंड करना है ना, और एक्चुअल सम का मीन्स जो जैसा दिया गया है उसी को ऐसे ही डायरेक्ट ऐड कर देना है। क्लियर, ओके। आइए इसको ऐड करते हैं, जीरो जीरो ऐड करेंगे, जीरो 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 फोर थ्री सेवन, यहाँ से फोर वन फाइव हो गया, एट फोर ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व का टू लिखेंगे कैरी वन, फाइव फोर नाइन वन टेन, टेन का जीरो कैरी वन, फोर टू सिक्स वन सेवन। ये देखिए एस्टिमेटेड सम है, ये है एस्टिमेटेड एक्चुअल सम, ओके। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको एस्टिमेट करके सम फाइंड करना है, एक्चुअल सम करना है, सम करना है, यहाँ भी सेम सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन थ्री देखते हैं, फाइंड द एस्टिमेटेड डिफरेंस एंड देयर एक्चुअल डिफरेंस, वन हैज बीन डन। यहाँ पर आपको डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस भी सेम ही रहेगा जैसे मैंने बताया है एड का। तो आइए इसका बी पार्ट देखते हैं। देखिए ये बी पार्ट है डिफरेंस का, जो सबट्रैक्शन है, ठीक है। इसका एस्टिमेट करेंगे तो क्लियर है, इसको ढकेंगे और उसके बाद देखेंगे जीरो जीरो है तो जीरो जीरो लगा देंगे, ओके। इसका ये हो जाएगा टू थाउजेंड। इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो जीरो से जीरो 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 एंड फोर, ये आ गया फोर थाउजेंड, सबट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ से थर्टीन में से वन, देखिए फाइव से एट नहीं सबट्रैक्ट होगा तो फिफ्टीन हो गया, फिफ्टीन से एट सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेवन हो गया, यहाँ पर एट, यहाँ पर कुछ नहीं जीरो है, जीरो से नाइन सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो यहाँ से वन कैरी जाएगा, तो इसका टेन होगा, टेन से नाइन वन, या फाइव, वन से होगा फोर, ओके। ये है इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस, ये है इसका एक्चुअल डिफरेंस, ओके। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से सी डी ई एफ सभी पार्ट को सॉल्व करना है। आपको इतना फाइंड करना है कि एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट यदि आपको पता हो गया तो आप सब कुछ सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या सॉल्व करना है। फाइंड द एस्टिमेट प्रोडक्ट देन द एक्चुअल प्रोडक्ट, वन हैज बीन डन। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, एस्टिमेट करके प्रोडक्ट करना है। आइए इसको देखते हैं बी पार्ट को, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने पिछला जो क्वेश्चन बताया है एस्टिमेटेड डिफरेंस का था, तो यहाँ मिस्टेक से सम लिखा गया था, तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा,
यहाँ सम नहीं रहेगा, पहले में सम रहेगा, दूसरे में डिफरेंस, तीसरे में जो पढ़ा रहे हैं वो प्रोडक्ट है। ओके, मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर्स हो उसी का एस्टीमेट करते हैं। 33 दिया है एंड 13 दिया है, 33 का एस्टीमेट करेंगे तो आएगा 30 एंड 13 का करेंगे तो आएगा 10। ओके, इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए, इसको टू टाइप से मैंने सॉल्व करने के लिए बताया था, एक तो डायरेक्ट गुणा करके, एक तो टेबल पढ़ के। तो हम गुणा करके यहाँ बताते हैं, ये हो गया 0 0 का 0, 0 से थ्री करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0, 3 बन जा 3, ऐड करेंगे इसको यहाँ पर 0 0 एंड लास्ट में 3, ये 300 हो गया। ओके, एक्चुअल प्रोडक्ट करेंगे तो 33 × 13, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3 एंड 3 बन जा 3। ओके, 9 ऐड करेंगे तो 9 हो गया, 9 3 12 होता है, 12 का 2 1 कैरी, 3 1 4। ओके, ये इस तरह इसका प्रोडक्ट। ओके, देखिएगा यहाँ पर 300, यहाँ पर 429 है, इसका एस्टीमेट करेंगे तो अलग आएगा लेकिन इसका सेम है एस्टीमेट का। देखिएगा, हो सकता है सेम ना आए तो मिस्टेक मत कीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं बी सी डी ई एफ सभी पार्ट सेम टाइप से हैं, उसको सॉल्व करना। ओके, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंटल मैथ के साथ। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।